हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज का हमारा C++ ट्यूटोरियल में आज का हमारा टॉपिक है C++ स्ट्रिंग एंड C++ के स्ट्रिंग के मेथड्स। सो मैं ये कह रहा था कि हम कुछ मेथड्स करके देखेंगे स्ट्रिंग के ऊपर, और स्ट्रिंग क्या है, कैसा क्या करती है, कॉन्कैटिनेशन कैसे करना किया जा सकता है, ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मैं वीएस कोड पे चलता हूँ और ये बहुत सिंपल टॉपिक है, एकदम इजी टॉपिक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा लॉजिक लगाने की, उतना नॉलेज, इतना दिमाग लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी टॉपिक है। अगर कोई प्रीवियस लैंग्वेज कहीं कुछ किसी ने जावा पाइथन किसी ने कुछ सीख कर आया है, यहाँ पर C++ भी उसे सीखना है तो उसके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। अदरवाइज जो फ्रेशर है उनके लिए भी इजी ही पढ़ने वाला, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, उतना कुछ ये नहीं है, बस उनको थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। ओके, तो मतलब एकदम C++ स्ट्रिंग के, मतलब स्ट्रिंग के ऊपर हम कुछ परफॉर्म करेंगे, मेथड्स को कैसे अप्लाई करना है और स्ट्रिंग के मेथड्स कैसे क्या कैसे वर्क की जा सकती है, दो स्ट्रिंग को जोड़ना रहेगा तो कैसे क्या करेंगे, सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, मैं शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूज कर दिया हूँ, कुछ नहीं है गाइस, एकदम सिंपल है, ठीक है। मैं जैसा आपको कोड करके दिखाता हूँ, एडिट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर पूरा आपको वर्बली पूरा रिकॉर्डिंग करके मैं बताऊँगा एडिटर पे, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप करता हूँ। स्ट्रिंग एक टाइप की वेरिएबल होती है, ऑलरेडी मैंने बताया था डेटा टाइप वाली, इसमें भी मैंने आपको ये बताया था स्ट्रिंग का। ओके, तो वहाँ पर बस मैं आपको बताया था कि ये स्ट्रिंग होती है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो स्ट्रिंग मैं यहाँ पर देता हूँ, और स्ट्रिंग का यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, एक काम कर देता हूँ, नेम दे देता हूँ, नेम वन, फर्स्ट नेम दे देता हूँ। ओके, फर्स्ट नेम का एन कैपिटल देंगे। ओके, एम नहीं भाई, क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, फर्स्ट नेम का एन कैपिटल दे देंगे, और फर्स्ट नेम एलन मस्क है। ओके, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे कर देता हूँ, शिफ्ट अल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ठीक है। तो यही मैंने किया था, तो मस्क भी कर देंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें, यहाँ पर कॉमा तो दे दूँ भाई, तो यहाँ पर हमने दो स्ट्रिंग यहाँ पर हमने इनिशियलाइज करके हमने उसको वैल्यू भी दे दी है। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि स्ट्रिंग को जोड़ना है, पूरे एक सेंटेंस में प्रिंट करना है। ओके, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले हम प्रिंट यहाँ पर, तो मतलब ये करने के लिए हम क्या करते हैं कि मतलब फर्स्ट नेम डाल दो, सेकेंड नेम डाल दो, ऐसा भी किया जा सकता है, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। तो लास्ट नेम, ओके, हैंडल कर देता हूँ अच्छे से। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको कोड को रन करता हूँ, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ओके, एलन मस्क ऐसा प्रिंट हो जाएगी। ओके, किधर गया, ये आ गया, एलन मस्क चिपक कर आ गया। थोड़ा सा इसको मैं ये दे देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस आ जाए दोनों के नेम के बीच में, एलन मस्क, ठीक है। तो अभी अच्छे से आ गया, तो ये तो एकदम नॉर्मल है, ठीक है। तो मतलब और भी कुछ ऐसा करना है तो, और एक और ट्रिक ये भी हो सकता है, स्ट्रिंग फुल नेम, नेम डाल देता हूँ, ठीक है, नेम डाल देता हूँ, और फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ऐसा भी किया जा सकता है, बराबर। तो ओके, तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट इन करता हूँ, और एक और मैं नया बनाता हूँ, सी आउट नया बनाकर उसके अंदर मैं नेम लिख दूंगा, एनिमी नहीं भाई, नेम। ओके, वो एनिमी भी नहीं था, एन में था वो। ओके, नीचे डाउन एरो। ओके, तो अभी देखो, तो यहाँ पर ये भी एक ट्रिक है, ठीक है, एलन मस्क ऐसा प्रिंट करने का, ये भी एक कॉन्कैटिनेशन का, ये भी एक तरीका है। तो ये दोनों चीज़ है, इसके अलावा एक और चीज़ है, एक मेथड है, छोटा मोटा सा, एक फंक्शन भी बोल सकते हैं, मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये देखो, ये भी ट्रिक है कि मतलब सी आउट करो, सी आउट, एक काम करता हूँ इसको भी मैं लेता हूँ, एडिंग करके मैं डाल देता हूँ। ओके, और इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट नेम डॉट अपेंड, और यहाँ पर ब्रैकेट में लास्ट नेम, किधर गया, हाँ लास्ट नेम। ओके, तो यहाँ पर एक और सी आउट लेंगे, और फिर इसके अंदर मैं एडिंग डाल दूंगा, किधर गया, एड कॉन्स्ट, अरे भाई एडिंग, और एंड एल, ठीक है। ओके, तो इसको मैं कमेंट इन कर देता हूँ। तो ये है एक कॉन्कैट करने का, कॉन्कैटिनेशन करने का, दो स्ट्रिंग को ऐड करके कॉन्कैटिनेशन करने का तरीका। अरे भाई भाई भाई,
इसको मैंने ये कर दिया, ये वाले इस सी आउट को मुझे कमेंट इन करना था, तो मैंने जो परफॉर्म करना था हम एक नया वेरिएबल बनाए, वो चीज़ है यहाँ ये देखो एलॉन मस्क आ गया। ओके तो मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ कि फर्स्ट नेम को मैंने कह दिया कि फर्स्ट नेम को अपेंड करके लास्ट नेम, इन दोनों को फर्स्ट नेम के अंदर अपेंड का फंक्शन यूज़ करके लास्ट नेम को मैंने ऐड कर दिया। तो वो दोनों ऐड होने के बाद यहाँ पर एडिंग वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया, उसे हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया आउटपुट के द्वारा, सी आउट यूज़ करके हमने उसे प्रिंट कर दिया। ओके तो आया एलॉन मस्क, तो ये एक ट्रिक है कॉन्केटिनेशन का, ठीक है। तो आपको समझा होगा मैंने लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ बताया, डायरेक्ट नॉर्मल कैसे करने का, क्या करने का, और सी आउट के अंदर ही फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ये सब चीज़ें। ये तो ये देखो ये तो एकदम मेरे को, मैं तो बोलूँगा इसको कि ये नॉर्मल नॉर्मल वालों का तरीका है, और ये यहाँ पर ऐड करके ये करने वाला तरीका थोड़ा प्रो लेवल का है, ठीक है। तो और ये जो है ये थोड़ा लेजेंड लेवल का है। ओके तो हम हमारी मीम लैंग्वेज में बोला जाए तो ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है। तो अभी ये एडिशन हो गया, अभी मैं यहाँ पर ये बताया मतलब कॉन्केटिनेशन हो गया दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का। और यहाँ पर स्ट्रिंग को मतलब मैंने ये बताया था कि स्ट्रिंग के अंदर जब डबल कॉट हम टाइप करते हैं, मतलब डबल कॉट के टाइप के डबल कॉट के अंदर हम नंबर भी डालो तो वो भी वही बन जाता है, मतलब स्ट्रिंग ही माना जाएगा। इस वेरिएबल स्ट्रिंग अगर हमने डाला डबल कॉट के अंदर, आप कुछ भी डालो, कोई भी सिंबल वगैरह भी डाल दो, सिंबल वगैरह एट द रेट ऐसा कुछ भी डाल दो, वो भी सब स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट हो जाता है, आई मीन स्ट्रिंग ही माना जाता है, बराबर। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। तो मतलब अगर किसी इंटीजर आई मीन नंबर को स्ट्रिंग को दोनों को ऐड करना हो तो उसको भी आपको वैसी ही करनी पड़ेगी, बराबर। या तो इंटीजर इंटीजर ऐड होगा या तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऐड होगा, ठीक है, बराबर। तो वरना फिर आपको एरर देगा, इंट अगर आप डाल रहे हो, ये डाल देता हूँ और फिर इसके अंदर मैं लिख दूंगा कुछ भी, ठीक है, तो ये हमें एरर देगा, बराबर। ये तो ऑब्वियसली हमें एरर ही देने वाला है। यहाँ पर एरर का ये क्यों नहीं बता रहा, शायद मेरा वीएस कोड बावला तो नहीं हो गया। ये देखो यहाँ पर कॉमा का भी नहीं बता रहा है, शायद मैंने एरर डिसेबल कर दिया रहूँगा। ये देखो यहाँ पर बता दिया इंट कैरेक्टर है, वो बता रहा है वो अच्छे से। एक तो कैरेक्टर है वो पहली बात, और स्ट्रिंग क्या होती है, पहली बात एक बंच ऑफ कैरेक्टर मिलकर ही एक पूरी स्ट्रिंग बनाती है, बराबर। तो यही चीज़ है, ये मैंने स्ट्रिंग वाली इसमें भी बताया था डेटा टाइप वाले में भी, तो आपको इसको स्ट्रिंग करना पड़ेगा, तो ठीक है स्ट्रिंग करना पड़ेगा। तो अभी इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ, ये बराबर आउटपुट आएगा देखो। तो ये देखो SDS जो भी हमने ऐसी कुछ भी बलता सा डाला था तो आ गया वो आउटपुट, लेकिन अगर इसके अंदर हम नंबर डाल देंगे कुछ भी डाल देंगे तो वो चीज़ बराबर प्रिंट होगी। देखो वो चीज़ बराबर यहाँ पर प्रिंट होगी, ये देखो नंबर के साथ ये जो हमने डाला था बलता सा SDH और फिर कुछ भी नंबर, वो भी प्रिंट हो गया। बट जब इंटीजर के अंदर ऐसा डबल कॉट डालोगे तो वो इंटीजर को सिर्फ इंटीजर ही काउंट करेगा, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग में क्या होता है कि डबल कॉट आप यूज़ करते हो, डबल कॉट वो स्ट्रिंग समझता है कि डबल कॉट के अंदर आप कुछ भी डालो, मेरे को उससे मतलब नहीं, डबल कॉट के अंदर मुझे सिर्फ स्ट्रिंग ही दिखता है, और नंबर डालो कुछ भी डालो उसको वो भी स्ट्रिंग ही दिखता है, तो उसको भी उठा के प्रिंट कर देता है वो, ठीक है। तो आप ये चीज़ यहाँ पर समझ गए होंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंसेस इंट और इसमें भी ये सब चीज़ में भी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्ट्रिंग एलियन में डाल देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं अंदर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके। तो हेलो वर्ल्ड में लिख दिया और यहाँ पर हमें पता लगानी है स्ट्रिंग की लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एक काम करता हूँ डायरेक्ट ही, मैं यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के भी पहले मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही बता देता हूँ, ये क्या है हमारा लेन डॉट लेंथ, ओके कॉमा और फिर यहाँ पर ख़त्म। ये जो हमारी पहले, उससे पहले मैं यहाँ पर CLS करके थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ और अभी मैं रन करवाता हूँ। ये देखो हेलो वर्ल्ड जो है हमारा, उसका जो लेंथ है वो बता गया। ये देखो 11 क्यों है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 10 होगा, बराबर। जीरो से इंडेक्सिंग अगर हम देखेंगे तो इंडेक्सिंग कैसे होती है, पहली बात मैं ये भी बताना भूल गया, अब तक ट्यूटोरियल में मैंने ये चीज़ भी नहीं बताया, C++ की इंडेक्सिंग जो होती है, इंडेक्सिंग वो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से, ठीक है। तो मतलब हेलो जो होगा वो जीरो, मतलब हेलो का जो एच जो है वो जीरो होगा, ई जो है वन होगा, एल जो है टू होगा, और सेकेंड वाला एल जो है थ्री होगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझो, ठीक है, इंडेक्सिंग जो होती है जीरो से, और ये जो हम चेक कर रहे हैं लेंथ, तो मतलब अगर आपकी इंडेक्सिंग जो है 10 है तो उसमें +1 कर दो और आपकी लेंथ आ जाएगी। लेंथ क्या है, 1 2 3 4 ऐसा
वन से स्टार्ट होती है, लेकिन इंडेक्सिंग जो होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। ये दोनों डिफरेंट है गाइस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इंडेक्सिंग मतलब आप उसको नेमिंग दे रहे हो, एक पर्टिकुलर एक कैरेक्टर या फिर एक वर्ड या नंबर उसको आप नेमिंग दे रहे हो, जीरो से स्टार्ट करवा रहे हो, ये जीरो वन टू थ्री ऐसा। लेंथ जो होती है कि अभी इस पूरे डबल कॉट के अंदर कितनी कितना अंदर कंटेंट पड़ा है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लेंथ जो है 11, तो आप समझ रहे होंगे। ओके तो इसका किधर गया, हाँ ऐसा। तो अच्छे से हमारी लेंथ जो है, मैं यही सबसे पहले टाइप कर रहा था, अरे कहाँ नीचे आ जाता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एल, ठीक है। ओके लेंथ की स्पेलिंग तो देखो भाई साहब, बाजू कटी, हाँ अब सही है। ओके तो अभी अच्छे से बताएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 11। ओके तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अभी हमने स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड आउट करनी है वो चीज़ भी हमने देखा, और यहाँ पर मतलब एक पूरा स्ट्रिंग और इंडेक्सिंग भी कैसे, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी इंडेक्सिंग की मदद से हम पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग को है एक्सेस करना चाहते हैं। सबसे पहले इन दोनों को मैं कमेंट इन कर देता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, वरना फिर ऐसा लगेगा कि उस टॉपिक का ही नहीं है वो, ऐसा लगेगा। और फिर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ज़ीरो डालता हूँ। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मुझे एक्सेस करनी है पर्टिकुलर इस पूरे स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर एक ही कैरेक्टर को। ये देखो ज़ीरो ज़ीरो, मैंने कहा था कि ज़ीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो ज़ीरो पे क्या एच है, तो उसने एच प्रिंट कर दिया। ये देखो सी आउट, मैंने वेरिएबल का नाम डाला, हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो डाला, और उसके अंदर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ज़ीरो डाला, ठीक है। ये इंडेक्सिंग से मैं उससे पूछ रहा हूँ कि मुझे इस इंडेक्स में इस स्ट्रिंग के अंदर कौन सा कैरेक्टर है वो मुझे प्रिंट करो। अभी मैं फाइव डालता हूँ, फाइव में शायद स्पेस आएगा। ये देखो मैंने कहा था स्पेस, कुछ नहीं है, क्योंकि ये देखो 0 1 2 3 4 5 स्पेस आती है, ये देखो स्पेस आती है, ये स्पेस आती है, ये आपको दिख रहा है, ये स्पेस है 5 में। तो ये माइन्यूट सी चीज़ें भी प्रोग्रामिंग में देखनी पड़ती है गाइस। ये स्पेस को भी प्रिंट कर सकता है इंडेक्सिंग, उसको भी काउंट करता है इंडेक्सिंग पे, मतलब इंडेक्स करके उसको भी काउंट करता है प्रोग्रामिंग में। तो आप ये चीज़ भी, अभी मैं 7 डालता हूँ, ये चीज़ को भी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज़ें भी मतलब काफ़ी बदलाव दे देगी, काफ़ी चेंजेस, बहुत बड़ा सा चेंजेस दे सकता है, तो ये चीज़ को भी आपको देखनी पड़ेगी। अगर हम पूरा स्ट्रिंग लिख रहे, पूरा नंबर भी लिख रहे, तो उसके बीच में हम स्पेस दे रहे, तो वो भी एक काउंट होता है इंडेक्सिंग के फॉर्म में, वो भी एक काउंट होती है, ठीक है। आप यहाँ पर छोड़ दोगे कि हाँ ये स्पेस है ये तो नहीं काउंट होगा, तो आगे से मैं लिखता हूँ, आगे से काउंट करता हूँ 5 6 7 ऐसा नहीं होता है गाइस। तो गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ओके तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा डाउट सॉल्व करवा रहा था, थोड़ा सा छोटी सी एक माया छोटी सी चीज़ है मैं बता रहा था इंडेक्सिंग पे स्पेसेस का भी। ओके तो मैंने 7 डाला था, 7 पे गया ओ, तो उसने वर्ल्ड का ओ, तो उसने वो प्रिंट किया। ओके तो अभी आपको एक्सेस कैसी करनी है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़ है, हम यहाँ पर इसको एक्सेस करके हम चेंज भी कर सकते हैं बराबर, तो ये भी मैं आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ उससे पहले। हाँ कहा गया, हाँ लेन के मैं कहाँ बताऊँ, 0 1 2 3 4, हाँ 0 जो है हेलो को, हाँ तो 4 लेता हूँ, 4 के जगह पर मुझे यू डालनी है, ठीक है। तो मैं यू डालनी है ऐसा। ओके और यहाँ पर मैं वापस से मेरा जो ये जो है उसे मैं कॉल करता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ कि इंडेक्सिंग की मतलब हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया कि मतलब स्ट्रिंग की लेंथ भी हमने देखा, और उस लेंथ की मदद से इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं वैसे ही रहन देता हूँ, हाँ इसको मैं वैसे ही रहन देता हूँ, वरना फिर आपको वहाँ पर ये भी मतलब कन्फ्यूज़ हो सकता है, मतलब आपको देखने में वो भी दिखना भी तो चाहिए गाइस, तो इसके लिए मैंने उसको रहन देता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं कॉमा डाला, सी आउट, अब सही है। ओके इधर गया, अरे लेफ्ट नहीं, हाँ अब सही है। मैं यहाँ पर ये बता रहा था कि हम इंडेक्सिंग की मदद से हम पर्टिकुलर हमारे स्ट्रिंग के अंदर पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि आप उस कैरेक्टर को एक्सेस करके चेंज भी करवा सकते हैं। ये देखो मैं रन किया, 4 वाले कैरेक्टर के अंदर मैं यू डाला हूँ,
मतलब फोर में क्या है, मतलब फोर वाले इंडेक्स में मैंने ओ जो है उसको हटा कर मैंने यू डाला हूँ। ये देखो यहाँ पर, देखो ये देखो, इसको भी प्रिंट करवा दिया उसने, क्या किया हेलू, ये देखो हेलो का हेलू बन गया, तो आपको दिख रहा होगा ये देखो हेलू। तो हम ऐसा एक्सेस करके चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं उसके अंदर मैं काम करता हूँ, एच डाल देता हूँ अभी, देखो तो हेलो का एच बन जाएगा वहां पर, ये देखो हेल और फिर एच और स्पेस फिर वर्ल्ड। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब इंडेक्सिंग हम एक्सेस ही नहीं, एक्सेस करके हम उसे चेंज भी कर सकते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर को, ओके, पूरे स्ट्रिंग के अंदर से। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, ओके। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, मतलब पर्टिकुलर कुछ, अगर आप पूरा स्ट्रिंग लिख रहे हो तो वहाँ पर आपको बीच में अगर कॉट देना है ये वगैरह ऐसा कुछ देना है, तो आप यहाँ पर ऐसा स्लैश बैक स्लैश ऐसा यूज़ करके आप उसमें चेंजेस भी करवा सकते हो, ओके। इसको मैं कमेंट इन करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। मतलब आपको कुछ वर्ड के बीच में आपको स्पेसेस देनी है, आई मीन थोड़ा सिंगल कॉट देनी है, तो ऐसा, तो आप यहाँ पर एक सिंगल बैक स्लैश और यहाँ पर एक ऐसा सिंगल कॉट देकर आप पुट भी करवा सकते हो, आपके स्ट्रिंग के अंदर पुट भी करवा सकते हो। ये देखो हेलो के बीच में यहाँ यहाँ पर आपको सिंगल कॉट आ गया, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर हटा कर सिंगल कॉट के वो हटा कर डबल कॉट डालता हूँ तो डबल कॉट आ जाएगा, ओके। तो आप बैक स्लैश की मदद से आप अपने स्ट्रिंग के अंदर या पर्टिकुलर वर्ड के बीच में या कहीं पर भी आपको आपने कुछ मिस कर दिया हो तो आप पुट भी करवा सकते हो, सिंगल कॉट डबल कॉट ऐसा पुट भी करवा सकते हो, ओके। तो ये देखो डबल कॉट आ गया अभी यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो मैं उसको हटा कर डबल स्लैश डालता हूँ, डबल बैक स्लैश, तो उससे क्या होगा एक बैक स्लैश आ जाएगा यहाँ पर, ये देखो हेल फिर वो बीच में एक बैक स्लैश, ओके। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे, मैं उसको वापस से सीधा कर देता हूँ। तो ये चीज़ था, यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ आपको, मतलब आई मीन आपको नहीं, वीडियो को मैं यहाँ पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, स्ट्रिंग मतलब यूज़र से हमने नंबर इनपुट करवाया था बराबर, तो अभी हम यहाँ पर यूज़र से नेम पुट करवाएंगे, आई मीन नेम मतलब ऑब्वियसली स्ट्रिंग होने वाली है बराबर। तो स्ट्रिंग मैं दे देता हूँ सिटी, ओके। तो मैं यहाँ पर सिटी डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर मतलब डिक्लेयर करके रख दिया, इसको पुट करके मैंने डिक्लेयर कर दिया हूँ आई मीन। और फिर यहाँ पर मैं सिंगल कॉट एंटर योर सिटी, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताया भी हूँ यूज़र इनपुट वाले, टेकिंग यूज़र इनपुट वाले वीडियो में, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र वाले वीडियो में मैंने उल्टा बोल दिया, ओके। एंटर योर सिटी, ओके बाबा। और फिर यहाँ पर एंडल सेव करता हूँ सिन, और फिर इस तरफ ये देनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ओके। हैंडल यहाँ पर हैंडल यूज़ करके कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनपुट वाले इसमें ये देखो सिन में क्या होता है कि ना, मतलब मैंने ये चीज़ बताया था कि मतलब सिन में ना आपको एरो राइट साइड में मूव करता हुआ दिखाना होगा, ओके, राइट साइड वाला एरो बताना पड़ेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा वैसे ये चीज़ मैं क्या कह रहा था। और फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा योर सिटी इस, और फिर यहाँ पर मैं सिटी डाल दूंगा, ओके, हैंडल कर दूंगा, किधर गया, हाँ हैंडल कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पर रुक जाओ, उससे पहले मैं यहाँ पर सी एल एस करके इसको क्लियर तो कर दूँ, क्या क्या हो रहा था अभी, सी एल डाल दिया था इसके लिए। ये देखो यहाँ पर हम हेलो, अरे यार हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है अभी, तो रुको इसको मैं हटा दूँ, वापस से मैं रन करा दूँ, कमेंट इन कर दिया, अभी मैं रन करवाता हूँ। ये देखो योर सिटी इज सी डी, अरे भाई भाई भाई, योर सिटी इज सी डी, डायरेक्ट सी डी, एंट्री योर सिटी, अब देखो बराबर आया, मैं डालूँगा मुंबई, ठीक है, योर सिटी इज़ मुंबई। ये देखो हम यूज़र से स्ट्रिंग को भी इनपुट करवा सकते हैं, ओके। तो मैं वही चीज़ यहाँ पर बता रहा था कि वो कैसे इनपुट किया जा सकता है, ओके। पहली बात, यहाँ पर सिन अगर आप डालोगे तो उसके अंदर आप स्ट्रिंग डालो और इंटीजर डालो, मैंने बताया था ये चीज़, कुछ भी आप पुट करवा सकते हो। बस यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को मतलब पुट करवा के उसे यहाँ पर हमें एक साथ प्रिंट कैसे करना है वो चीज़ मैंने बताया, एकदम बेसिक सा बेसिक है गाइस, ज़्यादा कुछ एकदम बड़ा नहीं, एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है।
तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो आपको होप्स होगी आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो, ये एक ही छोटी सी चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा कैसे यूज़र से, मतलब अगर आपने टेकिंग वो वाला वीडियो भी नहीं देखा रहेगा कि टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र वाली वीडियो, अगर पिछली वाली वीडियो अगर आपने देखा भी नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, ये चीज़ देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा, तो होप्स होगी आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा, और वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना गाइस, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना गाइस। ओके, यहाँ पर भी काफ़ी मज़ेदार टॉपिक्स है, आई मीन पोस्ट है, रील्स है। ठीक है, तो आपको होप्स होगी आपको नॉलेज मिलेगी उससे भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।